नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल शेफ निकिता। सो गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल सा रेसिपी जिसे कहते हैं क्रेम ब्रूली। सो गाइस, ये एक फ्रेंच डिज़र्ट है, इसे बर्न्ड क्रीम के नाम से भी जाना जाता है। इसे ना बहुत ही प्यार से खाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है, सुपर क्रीमी, और उसके साथ जो ऊपर शुगर है ना एकदम क्रिस्पी, वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सो गाइस, आज की रेसिपी विदाउट अवन है। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप व्हिप्ड क्रीम यानी हैवी क्रीम, जिससे हम केक को डेकोरेट करते हैं। आप यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 कप मिल्क और इन दोनों को हम गरम करेंगे। हमें इसे बॉईल नहीं करना है, मतलब इसमें उबाल नहीं लाना है, बस इसे गरम करना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी। वैसे व्हिप्ड क्रीम में मिठास होती है, लेकिन जैसे कि हमने मिल्क डाला है तो उसकी जो मिठास है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए थोड़ा सा चीनी मैंने ऐड किया है। और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी गर्म है। अब इसे हम इस तरीके से मिक्स करेंगे जब तक चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाता, और फिर इसमें डालेंगे 2 एग यॉक यानी अंडा का पीला वाला, और उसे अच्छी तरीके से हम इस मिल्क में मिक्स करेंगे। याद रहे, आपका मिल्क रूम टेम्परेचर में आ जाना चाहिए, वरना ये इस एग यॉक का ऑमलेट बन जाएगा। सो ये चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे वैनिला एसेंस 1 टेबलस्पून और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और किसी भी रैमिकेंस या फिर किसी भी बोल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से ट्रांसपेरेंट एक छोटा सा कप के जैसे है, इसमें मैं इस मिक्सचर को निकाल ले रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अवन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तो इसे हम बनाएंगे स्टीमर में। कैन यू इमेजिन। सो गाइस, नीचे पानी है, इसे मैंने स्टीमर पे कुछ इस तरीके से ढक के रख दिया है फॉर 20 मिनट्स यानी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हो काफ़ी जिगली है और काफ़ी गर्म है। इसे हम रेफ्रिजरेट करेंगे फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे चीनी। ये अभी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, सो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आने वाला है। सो इसके ऊपर हम चीनी का पाउडर इस तरीके से डालेंगे और ब्लो टॉर्च जो होता है, मतलब एक गैस होता है जिससे आप किसी भी चीज़ को जला सकते हो, एकदम तुरंत फायर निकलता है, उसकी मदद से मैं इस चीनी को मेल्ट कर रही हूँ। सो गाइज, लाइक सो हमें इसे अच्छी तरीके से मेल्ट करना है। और चीनी अगर अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा ना, आप उसे 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ दीजिएगा। जब चीनी ठंडा हो जाएगा तो वो एकदम क्रिस्पी हो जाएगा और अपना एक लेयर बना लेगा। सो गाइज, हमें इस तरीके से चीनी को मेल्ट करना है चारों तरफ से। और अब ये बिल्कुल ही तैयार है, सेट हो चुका है। और अब मैं इसे क्रैकल करती हूँ गाइस, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है। इट्स अ मस्ट ट्राई फ्रेंच डिज़र्ट। अगर आपको मेरी ये इजी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।